कारण हम जो करने जा रहे हैं वह प्रोफेशनल टूल से, यहाँ से नीचे से 5 सेंटीमीटर ऊपर से हमने कट कर दिया। इसके बाद में ये प्रोफेशनल टूल से चाकू आपके पास जो भी होगा बारीक वाला, इसे आप अल्कोहल से धो लेने का, अगर से बार बार अगर से करते हैं तो अल्कोहल ऑलरेडी ये है मेरे पास अल्कोहल, ये अल्कोहल है ऑलरेडी, अभी मैं धोना नहीं चाहूँगा अभी, लेकिन आप अगर से अल्कोहल से उसे डुबो के धो लेते हैं तो स्पिरिट या सैनिटाइजर से आप इसे धो लीजिएगा, तो इसे धोने के बाद में इसका जो जर्म्स वगैरह है मर जाएंगे। तो दोस्तों अब हम चलो दूसरी एक सायन में आपको, यहाँ सायन है ऑलरेडी, तो यहाँ इंस्टेंट सायन है, तो डिफॉलिएटेड सायन अगर से इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, इंस्टेंट सायन से भी रिजल्ट मिलता है पर उतना परसेंट में नहीं मिलता। तो मैं दोनों सायन बताएं, इंस्टेंट एंड तुरंत की। अब मैं इसमें वी शेप करना चाहूँगा, ये देखिएगा हल्का वी शेप मार दिया मैंने, ये इस प्रकार ये वी शेप, अब देखिएगा ये वी शेप हो गया, आप देखिएगा दोनों तरफ, और नहीं बना ढंग से तो फिर आप इसे कर सकते हैं, ये देखिएगा आप वी शेप दोनों तरफ बार का है, ये वी शेप अंग्रेजी का वी देखिएगा, वी शेप हो गया, यानी ये ऐसा और ये ऐसा, एक चाप ऐसा एक चाप ऐसा, यानी वी शेप हो गया है, ये ख्याल में रखिएगा। और लास्ट में अगर तो हाथ वाथ टच नहीं करने का, इसका प्रिकॉशन एक खासियत है, ये इसको कोई भी उंगली का पोर्शन नहीं लगाने का, इसमें बैक्टीरिया ये हो जाता है, ख्याल में रखे, इससे कोई टचिंग नहीं होना। और तब तक अब इसे कहाँ रखने का, तो आप मुंह में पकड़ के रख सकते हैं, या तो फिर ऐसे जगह रखो कि जहाँ पर उसे कोई टचिंग ना हो। अब हम इसे सेंटर से, हम उसके बीच से एकदम सेंटर से, या ऐसे ऐसी कट करने का, डायरेक्ट प्रेशर नहीं करने का, इस प्रकार देखिएगा, ये इस प्रकार धीरे अप डाउन करने का सेंटर से, एक ख्याल में रखने का, उतना ही जितना चाप हमने मारा 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का जो चाप मारे हमने, उतना ही चाप इसमें मारने का, वहाँ अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ 3 सेंटीमीटर मारने का, क्योंकि इसमें वो सायन हमारी अंदर जाएगी, ये देखिएगा ख्याल में रखिएगा, हो गया दोस्तों। इसके बाद में हमें पॉलीथीन इस्तेमाल करने की बांधने के लिए, तो अब यहाँ पॉलीथीन, तो यहाँ जो इसकी बार्क है, जो ये बार्क, इसकी बार्क से मिलाने की कोशिश करना है, एक तरफ की बार्क से, क्योंकि सायन कम ज़्यादा हो सकती है मोटी। तो अब ये देखिएगा इसके बार्क से मिलाने का, एक तरफ की बार्क से, ये देखिएगा एक तरफ की बार्क मिलाने का, अब दूसरे तरफ ये बार्क खुली हुई है, देखिएगा इससे कोई लेना देना नहीं हमको, ये दूसरे तरफ बार्क बाहर गई है, क्योंकि स्टिक मोटी है, इसलिए हमको जब ये ग्राफ्टिंग करते हैं तो एक तरफ की बार्क के तरफ ध्यान देने का, कि ये जो रूट स्टॉक है, ये जो नीचे की सीट के साथ का रूट स्टॉक और ये सायन है, तो रूट स्टॉक का बार्क और सायन का बार्क एक तरफ का कोइंसाइड होना चाहिए, मिलना चाहिए एक पर एक, देखो जैसे इस प्रकार देख लीजिएगा। अब क्या करने का, अब ये जो पॉलीथीन स्ट्रिप है ये कहाँ से लाने की, तो मैं बता चुका हूँ कि शक्कर वगैरह की जैसे पॉलीथीन है, ये बता चुका हूँ मैं, शक्कर वगैरह लाती पॉलीथीन, इसकी बनाने का स्ट्रिप, ख्याल में रखो पतली, जिसमें इलास्टिसिटी हो, जो तंती हो। अब इसको जब आप बांधते हैं तो आप ऊपर से बांधते ले जाएगा इस प्रकार, आपको इस प्रकार लपेटने का है, ये थोड़ा सा ऐसा टाइट कर लेने का, ये यानी पकड़ के लिए ठीक रहता है, इसको इलेक्ट्रिसिटी की टेप इस्तेमाल नहीं करने की, क्योंकि वहां फिट बराबर नहीं बैठती, फिर इस प्रकार ऐसा ऐसा करने का टाइटली, ऐसा टाइटली एकदम एयर टाइट होना चाहिए, हवा नहीं रहना चाहिए यहाँ पर, आप इसे, कुछ लोगों के सवाल थे सर कि ये बिना अपरूटेड किए उखाड़े जमीन में ही बांधते नहीं आता क्या, आता है ना, जमीन में भी आप जहाँ पर ये प्लांट लगे हुए हैं वहाँ डायरेक्टली भी आप इन्हें बांध सकते हैं,
लेकिन अगर से आप इन्हें उखाड़ कर अगर बांधते हैं तो सुविधा अच्छी होती है बांधने के लिए, और बाद में आप अच्छा एक और खासियत बताना चाहूँगा कि अगर से आपने ये सीड तोड़ दिया, समझो कंसिडर अलग कर दिया और इस प्लांट को लगाया, तो यहाँ उगेगा नहीं, मर जाएगा, ख्याल में रखोगे, क्योंकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जमा रहता है, ये फूड मटेरियल सप्लाई करता है। आम की एक खासियत है कि इसको विदाउट अगर से सीड अगर लगाए तो आम का पौधा नहीं, फिर इसे लंबा कर दीजिएगा और फिर एकदम या ऐसा ऐसा टाइट या ऐसा करके टाइट ये बांधने का, फिर इसको कैसा करने का, ये एक या ऐसा करके जैसे ये ऐसा ये एक करके इसमें से अंदर से ये डाल देने का और इसे खींच लेने का हो गया। अब दोस्तों इसे केयर किस प्रकार लेने का, तो दोस्तों और एक बात बताना चाहूँगा, अगर समझो ये फेल हो गई, समझो 15 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा, ये अगर सूख गई 15 दिन में तो आप यहाँ से नए ब्रांचेस निकलेंगे, नए ब्रांचेस तो भी ये इतना स्टिक बाकी रहती है, देखिएगा इतनी स्टिक बाकी रहती है, फिर से आप इतने स्टिक पे और से बांध सकते हैं, ये ख्याल में रखिएगा। यानी दो टाइम आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बांधने के लिए मिलेगी, उसके बाद यहाँ से खत्म हो गया तो भी यहाँ से नई ब्रांच निकलेगी, उसको बड़ा होने देने का, और 2-3 महीने के बाद में 2 महीने के बाद में आप इस पर कलम बांध सकते हैं। अब आएगी ब्रांच निकलने के बाद में, अब इसे क्या करने का, तो दोस्तों अब इसके बाद में ग्राफ्टिंग से सब होने के बाद में आपको पॉटिंग करना है, तो आपको मिट्टी और खाद मिक्स करना है, कंपोस्ट वगैरह, सॉइल प्रिपरेशन भी मैं बता चुका हूँ इसके पहले, इसमें 30% गोबर खाद डालने का और मिट्टी और रेत 20% रेत मिक्स करने का, वाटर परकुलेशन अच्छा होता है। तो दोस्तों अभी ये पुराने पैकेट थे मेरे पास, तो हम अभी इसी में ही यहाँ प्लांट लगाएंगे, तो अभी इसे हम यहाँ पर दोनों साथ में लगा देते हैं और ये मिट्टी फिलअप कर देते हैं, और इनको पानी नहीं लगना चाहिए, कम से कम 25 से 30 दिन, कम से कम 30 दिन में यहाँ अंकुर फेंकना चालू कर देगा, उसके बाद में आप इसे रख सकते हैं, लेकिन इसे शेड में रखने का है अभी फ़िलहाल में। और दूसरी चीज़ इसे कैपिंग कर देने की, और ये कैपिंग अगर से आपके पास में नहीं है तो इस प्रकार की आपको पॉलीथीन, इस प्रकार की आप पॉलीथीन बैग भी ऐसी आप ऐसी सादी पॉलीथीन बैग ऐसी आप ढक सकते हैं, अगर आपके पास कैपिंग नहीं है तो ख्याल में रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं इस प्रकार की आपकी कैपिंग चाहिए, तो मेरे पास कैपिंग है ऑलरेडी, तो मैं ये कैपिंग पेप्सी की कैपिंग है, इस प्रकार इसे कैपिंग कर देता हूँ, क्योंकि ये जो जॉइंट है इसे पानी नहीं लगना चाहिए कम से कम 20 से 25 दिन, और यहाँ भी एक कैपिंग कर दे रहा हूँ मैं। तो दोस्तों कुछ लोग यहाँ पर ऐसी बांध देते हैं यहाँ पर, तो इससे एक नुकसान होने के चांसेस रहते हैं, जब वेपराइजेशन यहाँ होता है तो वहाँ पानी के बूंदे यहाँ पर जॉइंट पे आके फंगस लगने के चांस रहते हैं, इसलिए नीचे से आप बांधना मत इसे, कृपया बांधने का नहीं, ये ख्याल में रखिएगा। तो यह 20 से 25 दिन के बाद में स्प्राउटिंग होना शुरू हो जाएगी, तब जब स्प्राउटिंग शुरू होगी तब आपको इसे निकाल लेने का है, स्प्राउटिंग यानी पाचरे निकलने के बाद में, यहाँ से बर्ड्स निकलना शुरू हो गई तो ये बर्ड्स निकलने के बाद में ये निकाल लेने के हैं आपको, जो हमने कैपिंग डाली है निकाल लेने का है, बर्ड्स निकलना शुरू हो गई तो इसे निकाल देना है। अब इसे निकालने के बाद में आपको क्या करना है, बर्ड्स निकलने के बाद में यहाँ जो पॉलीथीन है यहाँ आपको कब छोड़ने का है, तो यहाँ पॉलीथीन कब छोड़ने का है, लगभग आपको 3 महीने के बाद में, अभी बांधा है आपने तो यहाँ 3 महीने के बाद में यहाँ ब्लेड मार के यहाँ जो बंधा हुआ ये पॉलीथीन है 3 महीने के बाद में छोड़ देने का है। उसके बाद में इसमें जो कीटक वीटक लगते हैं तो उसके लिए आप कोई भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरी रही बात इसे अभी ज़मीन में प्लांटिंग कब करने का इन प्लांटों को, तो आपके सवाल आते, तो आप इसे 3 महीने बाद में यानी सितंबर अक्टूबर में इसे आप ज़मीन में लगा सकते हैं। तो अभी हम इसे पानी डाल देते हैं। अब दोस्तों सवाल यह है कि इसे लगाते वक्त प्रिकॉशन कौन सी लेने की है, तो ये जो ग्राफ्टिंग का जो पार्ट है जहाँ अपन ने झिल्ली बांधे है यहाँ पार्ट ज़मीन के ऊपर हमेशा रहना चाहिए, ये ज़मीन के नीचे नहीं गड़ाना चाहिए, जब गड़ाने की बात आई आपको
जमीन में डालने की बात है प्लांट को, तो यह ग्राफ्टिंग का जो ज्वाइंट है यह जमीन के ऊपर हमेशा रहे, यह ध्यान देने की बात है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सीजन आ गया है ग्राफ्टिंग का। थैंक यू।